आप लोग साड़ी के लिए बहुत टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टा पे भी, और बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी प्रॉपर साड़ी हॉल लेके आइए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ डिज़ाइनर एंड पार्टीवेयर साड़ी के ऑप्शन, जिन्हें आप अपकमिंग फेस्टिवल में भी स्टाइल कर सकते हैं, प्लस किसी भी कोई पार्टी में स्टाइल करना हो तो उस पर्पज से भी बहुत अच्छी है। और कंप्लीट जो है न्यू कलेक्शन है, और इन्हें मैंने मिंत्रा से लिया है क्योंकि मिंत्रा पे अभी सेल चल रही है। ये सेल 18 से स्टार्ट हो गई थी और 22 अगस्त तक, यानी कि आज लास्ट डेट है सेल का, एंड ये है इंडियन एंड हार्ट सेल। तो इसमें आपको अप टू 40% से 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो इस सेल में बाय कर सकते हैं। तो जितने भी आज मैं प्रोडक्ट शेयर करूँगी ना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इन्हें बाय कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी सी साड़ी से, जो है मेरे फेवरेट ब्रांड इंडस से। इंडस की साड़ियाँ हो, कुर्ता सेट हो, कुर्ती हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी क्वालिटी एंड डिज़ाइन बहुत अमेजिंग आते हैं। ये एक मस्टर्ड कलर की साड़ी है, नेट पैटर्न में है, एंड ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है जिसे आप अभी अपकमिंग फेस्टिवल यानी कि राखी में स्टाइल कर सकते हो। रक्षाबंधन आने वाली है, प्लस अगर कहीं पे भी स्टाइल करना चाहते हो ना, कोई से भी फेस्टिवल में, तो कलर उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये मस्टर्ड कलर में आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला कलर। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इन्होंने ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया है, जो कि इन्होंने बिल्कुल लाइट फैब्रिक इन्होंने रखा है। ये यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं, 90 सेंटीमीटर का एक फैब्रिक है, तो अगर आप XL XXL साइज में हैं तो भी आपके इजीली आ जाएगा। सबसे पहले तो एक कंप्लीट साड़ी आपको ना नेट में देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट क्वालिटी का इन्होंने नेट यूज़ किया हुआ है। एंड ये इसका बॉर्डर है, जो कि काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर इन्होंने दिया है, नीचे की साइड आएगा, और यहाँ पर आपको इस तरह का सिक्वेंस एंड जरी का काम दिया हुआ है। क्वालिटी में आपको पास से दिखा रही हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये जो वर्क है ना, प्रॉपर गोल्डन में नहीं किया हुआ, जिस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कॉपर शेड भी आ रहा है, तो जिस वजह से लुक बहुत ही अच्छा क्लासी सा आ रहा है। तो इस तरीके की आपको एक कंप्लीट 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरे पे वर्क है, ये आप देखो ना, सारा बूटा वर्क है। यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रॉड लेस देखने को मिल जाती है। एक बार आप कंप्लीट लुक साइड में देख लेना, तो इस तरीके की साड़ी है। लुक एट दिस, बहुत ही प्यारी है। एज इट इज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये आपको सेम देखने को मिल जाएगी। और ये है इसका आंचल, आंचल पे आपको इस तरीके का बॉर्डर वाली लेस दी हुई है। तो ओवरऑल साड़ी आप देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है। अगर कोई से भी फेस्टिवल में या फिर कोई भी हल्दी फंक्शन में भी, इवन आप खुद के हल्दी फंक्शन में भी स्टाइल करते हो, या फिर अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, शादी अटेंड करनी है, हल्दी का फंक्शन, उस अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात है इसका जो वर्क है ना, वो इतने अच्छे से किया हुआ है, बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना सिक्वेंस वर्क है तो चुभेगा, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में किया हुआ है, तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। नेट फैब्रिक है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, चलने में भी पहनने में भी पूरे दिन भर आप इसे ईजिली कैरी कर सकते हो। और अगर आप अनमेरिड है तो उस पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। ओवरऑल साड़ी बहुत अमेजिंग है, कलर डिज़ाइन सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, कभी भी इसका फैशन आउट नहीं हो रहा, तो उस अकॉर्डिंग है। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सेम ब्रांड से मैंने दो साड़ियाँ परचेज की है। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है लाइट बिल्कुल बेबी पिंक कलर में, जो कि पैकेज भी कुछ इस तरीके की आई थी इसकी। एंड मैं आपको खोल के बताती हूँ एक बार, लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है। हो सकता है आपको कैमरे में अच्छे से शो नहीं हो, लेकिन ये रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर बताती हूँ, कुछ इस तरीके का इसमें बॉर्डर किया हुआ है, और ये आप जो देख रहे हो ना, ये फैब्रिक कुछ इस तरीके का है, जिसपे आपको डॉट्स वाला पूरा जो है वर्क दिया हुआ है। लुक एट दिस, मे बी शायद आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा, ये कुछ इस तरीके का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड आप बॉर्डर में देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग क्वालिटी है। इसका जो फैब्रिक है, हाई क्वालिटी जॉर्जेट फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ये साड़ी जो है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, लुक एट दिस, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी है। 5.5 मीटर की आपको ये साड़ी देखने को मिल जाएगी। पार्टी वेयर है, फेस्टिव वेयर है, कभी भी आप इसे स्टाइल करते हैं। और ये इसका है ना ब्लाउज है, जो कि आपको एम्ब्रॉयडर्ड देखने को मिलेगा, एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है, जो कि स्लीव्स पे आएगा। बाकी 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक दिया हुआ है, जिससे आप जैसे चाहे ना वैसे आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं।
एक तो मुझे इस साड़ी का कलर बहुत पसंद आया, ये बिल्कुल बेबी पिंक कलर है, बिल्कुल लाइट सा जो दूध वाले शेड में आता है ना, दूधिया बेबी पिंक जिसको बोलते हैं, वो वाला कलर है ये, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है। इसका वर्क बिल्कुल भी चमक दमक का नहीं है, बिल्कुल सोबर है, जो कि कभी भी है ना ये आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, कभी भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, लाइट वेट साड़ी है, न्यूली मैरिड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है और कोई भी फेस्टिवल में पहनने के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, तो इसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये अभी मिंत्रा का बिल्कुल न्यू पैटर्न था तो मैंने सोचा देखते हैं कैसा आता है, एंड सच में बहुत अच्छा आया है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ, जो मैंने लिया है वो सेम ब्रांड से लिया है और इसका कलर भी मैंने यही मतलब थोड़ा इस तरीके का रखने का ट्राई किया है। ये बहुत ही प्यारा डिफरेंट सा कलर लग रहा था मुझे, काइंड ऑफ है स्काई ब्लू के पैटर्न में आ गया हल्का सा देखा जाए तो, बाकी इसका कलर एग्जैक्ट मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको क्या है, बाकी जैसा है ना पिक्चर में दिख रहा है ना दिखाया हुआ है, या फिर अगर आप जैसे देखोगे वैसा की वैसा कलर है इसका, एंड सेम फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी इन्होंने दी हुई है। ये आँचल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इस पे ना आपको पूरी साड़ी पे ओनली बूटा वर्क देखने को मिलेगा बीच बीच में, पर यहाँ पे जब आप बॉर्डर देखोगे ना तो इस तरीके का वर्क किया हुआ है। ये ना बिल्कुल छोटे वाले, बिल्कुल छोटे छोटे जीरो साइज सिक्वेंस इन्होंने लगवाए हुए हैं और उस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो आप एक बार फिनिशिंग क्वालिटी देख लो जिससे आपको क्लियर हो जाए, एक भी सिक्वेंस या थ्रेड नहीं निकल रहा है इधर उधर से। तो ये इसका पूरा इस तरीके का आँचल है। इस तरीके की साड़ी ना कैमरे में देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अगर आप रियल में पहनते हो, जब कोई आपको देखता है या फिर अगर आप परचेज करोगे ना आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी ये साड़ी। तो कुछ इस तरीके की ये साड़ियाँ हैं, लाइट वेट है और ऐसी है कि ज़्यादा चमक दमक नहीं है, कभी भी स्टाइल करो ओवरऑल अच्छी लगने वाली है और कभी आउटडेटेड नहीं होंगी, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो पूरे में आपको ना सेम वर्क देखने को मिल जाता है, सेम बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके का कट वर्क में, लुक एट दिस, ये सेम बॉर्डर है ऊपर नीचे दोनों साइड दिया हुआ है, नीचे भी अगर आप देखोगे ना सेम बॉर्डर दिया हुआ है। तो इस तरीके की आपको एक पूरे 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन्होंने सेम रखी है, इतना सा पार्ट प्लेन रखा है जो अंदर की साइड आएगा, बाकी ब्लाउज इसका आपको हैवी देखने को मिल जाएगा, पूरे पे वर्क वाले जो बूटे दिए हुए हैं पूरी साड़ी में, ऐसा ही ब्लाउज आएगा 90 सेंटीमीटर का, तो आप जैसे भी चाहो वैसे ऐसे स्टिच करा सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने देखी। और अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट साड़ी की तरफ, तो मैंने सोचा कुछ नेट में हो गई जॉर्जेट में हो गई एक पैटर्न आपके साथ सिल्क में भी शेयर करती हूँ, तो ये मैंने सिल्क साड़ी ली है एंड ये मैंने थोड़े टाइम पहले परचेज की थी, तो इसका ब्लाउज ही मैंने स्टिच करवा लिया एंड देखते हैं कैसी आई है, मतलब मैंने भी अभी पहनी नहीं, ब्लाउज ही स्टिच करा के इसका रखा हुआ था, तो जो इसका ब्लाउज था वो मैंने कुछ इस तरीके से स्टिच कराया है, नीचे से वी का नेक में दिया है, नीचे से इस तरीके का डिज़ाइन है, आगे भी आपको इस तरीके की स्वीट आर्ट नेक इसमें देखने को मिल जाती है, स्लीव्स मैंने एल्बो स्लीव्स रखी है यहाँ तक हाफ स्लीव्स, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाएगा साड़ी में। तो मैंने कुछ इस तरीके से ब्लाउज स्टिच कराया है, नॉन पैडेड कराया है और काफ़ी अच्छा ब्लाउज है ये वाला, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी की है उन्होंने, एंड जब आप इसे पहनोगे ना साड़ी के साथ बहुत अच्छा लुक आता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी जितनी भी सिल्क साड़ियाँ हैं ना तो ज़्यादा हैवी डिज़ाइन और ब्लाउज में मत डलवाओ, क्योंकि सिल्क साड़ी अपने आप में बहुत रॉयल लगती है, तो ऐसे ही पहनने में लुक काफ़ी अच्छा आता है, बस मैंने इसमें इसलिए हल्का फुल्का इसमें डिज़ाइन डलवाया है, तो आप चाहो तो ये वाला डिज़ाइन डलवा सकते हो, यहाँ पे बटन्स की डिटेलिंग है और ये पीछे ना एक क्लोजर है जिसके ऊपर मैंने इस तरीके के बटन्स लगाए हुए हैं। तो साड़ी ये बहुत ही प्यारा कलर है एंड पूरा आपको इसमें जरी वर्क देखने को मिल जाएगा इस तरीके का लुक है। अभी तो मैंने इसे खोला भी नहीं है, बस ब्लाउज स्टिच कराया था, पिको कराई थी, बाकी पूरी साड़ी एज इट इज़ है एंड ये कुछ इस तरीके का आपको लाइट पर्पल सा कलर देखने को मिलेगा, कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा और इसके ऊपर जो जरी वर्क किया हुआ है ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसे भी आप स्टाइल कर सकते हो अपकमिंग फेस्टिवल में, कोई भी फेस्टिवल में या फिर शादी में कभी भी आपको स्टाइल करना हो तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको सिल्क साड़ी अच्छी लगती है तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए, और काफ़ी अच्छा टिश्यू सिल्क इन्होंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी का टिश्यू सिल्क है, और पहनने के बाद ऐसा नहीं है कई सिल्क साड़ियाँ पहनने के बाद अनकंफर्टेबल रहती है, उस तरीके का फैब्रिक नहीं है, काइंड ऑफ कॉटन भी मिक्स है इसमें थोड़ा सा, तो पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है ये वाली साड़ी और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा, एक बार आप फुल लुक साइड में देख लेना,
तो ये है जो नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने लिया है, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी। तो गाइस जितने भी प्रोडक्ट मैंने शेयर किए ना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड आज के कलेक्शन में से फेवरेट साड़ी कौन सी है कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।